अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार चटपटी फिश फ्राई रेसिपी है। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फिश 1 kg सुरमई फिश और इसमें 1 tablespoon सोया सॉस, 2 tablespoon लेमन जूस और 2 tablespoon गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। गार्लिक एक साबुत ले लें पूरा और ग्रीन चिली 3 से 4 उसका पेस्ट बना लें। और मसालों में हमारे पास जो है 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर है, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon लाल मिर्च और 1/4 teaspoon हल्दी, 1/2 teaspoon अजवाइन और 1 teaspoon नमक। बेसन जो है 2 to 3 tablespoon हम इसमें ऐड करेंगे और 1 egg। अब मसालों को जो है हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। आप एग में तमाम मसाले इसमें हम ऐड करेंगे। तो गार्लिक एक जो है साबुत ले लें और 3 से 4 जो है हरी मिर्च उसको अच्छी तरह उसका पेस्ट बना लें, इस तरह ऐड कर लें। सोया सॉस, लेमन जूस और सारे मसाले जो है हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं मेंशन है। तो इस तरह हमने सारे मसाले ऐड करने और मसाले ऐड करने के बाद इसमें हमने 1 tablespoon चाट का मसाला भी ऐड करना है। तो इस तरह मसाले आप ऐड कर लें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस आपको आसानी से मिलती जाएं। तो हमने सारे मसाले इसमें हम ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम चाट का मसाला भी ऐड करेंगे और इसको हमने अच्छी तरह जो है ना मिक्स करके फ़िश पे अप्लाई करना है। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना 1 kg फ़िश की रेसिपी है। अगर आपके पास फ़िश ज़्यादा हो तो आप इसको अपने हिसाब से मसालों को जो है ना ऐड कर लें ज़्यादा। सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें 3 tablespoon बेसन ऐड करेंगे। तो बेसन ऐड करने के बाद जो है ना हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें हमने कोई पानी ऐड नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसी तरह ही हमने इसका पेस्ट बनाना है और इसी तरह मिक्स करना है। तो अच्छी तरह हमने मिक्स करने के बाद अब फिश पे हम लगाएंगे और फिश पे लगाने के बाद जो है ना आपने फ़िश को 2 से 3 घंटे जो है ना रखना है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर जो है ना फ़िश के ऊपर आ जाए। अगर आप फ़िश के ऊपर मसाला लगा के इसको फ्रीज़ कर लें तो वो भी बहुत अच्छा है कि आपको बार बार मसाला लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी तरह आप मसाला लगाएं और इसको आप रख दें। तो ऑयल को जो है ना आप अच्छी तरह गर्म कर लें, उसके बाद जो है ना फ़िश को इसमें ऐड करें और फ़िश को जो है ना आपने अच्छी तरह फ्राई करना है दोनों साइड से। तो ये रेसिपी जो है ना बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है लेकिन बहुत मज़ेदार फ़िश बनती है। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। तो इस तरह जो है ना हमने पूरी फ़िश हमने ऐड कर दी है, इसको हम दोनों साइड से फ्राई करेंगे। तो एक साइड जो है हमारी देखें फ्राई हो गई है, अब दूसरी साइड भी जो है हम इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह आप टर्न कर लें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को फॉरवर्ड करें ये वीडियो। तो हमारी फ़िश जो है ना दोनों साइड से फ्राई हो चुकी है, अब इसको हम डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद आपने ऊपर से चाट का मसाला ऐड करना है, लेमन स्लाइसेस रखें और गरम गरम सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, सिंपल रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम।